गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने कंप्यूटर कैसे वर्क करते इसके बारे में हम लोग स्टडी किए थे प्रीवियस क्लास में। आज हम लोग प्रिंटर के बारे में स्टडी करेंगे। प्रिंटर का क्या काम होता है, प्रिंटर कितने टाइप्स के होते हैं, आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके प्रिंटर प्रिंटर गिव अ परमानेंट आउटपुट ऑन टू अ पेपर इंस्टेड ऑफ अ कंप्यूटर स्क्रीन। द आउटपुट गिवन बाई अ प्रिंटर इज रेफर टू अज अ हार्ड कॉपी और अ प्रिंट आउट। प्रिंटर आर ब्रॉडली क्लासीफाइड इन टू इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर जो होता है वो क्या करता है, वो परमानेंट आउटपुट पेपर को इंस्टेड करता है। अब वो किस में रेफर करता है, वो हार्ड कॉपी और प्रिंट आउट को रेफर करता है। प्रिंटर जो होता है वो टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर एंड सेकेंड है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है देखिए, इसके बारे में स्टडी करते हैं अब हम। इम्पैक्ट प्रिंटर प्रोड्यूस द इनपुट बाई प्रेसिंग अ प्रिंट एलिमेंट एंड एन लिंकेड रिबन अगेंस्ट द फेस ऑफ कंटिन्यूस पेपर फॉर्म द रिबन सीक्वेंस इंक इन टू द पेपर। द इम्पैक्ट प्रिंटर आर फर्दर क्लासीफाई अस। इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है वो रिबन और इंक्स जो वो क्या होता है, कनेक्ट होता है, कंटिन्यूस वो पेपर में फॉर्म करता है, काम करता है। और इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है वो टू टाइप्स के होते हैं, लाइन प्रिंटर और कैरेक्टर प्रिंटर। लाइन प्रिंटर प्रोड्यूस आउटपुट बाय प्रिंटिंग वन लाइन एट अ टाइम। ड्रम्स प्रिंटर इज अ एग्जांपल ऑफ द लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर जो होता है वो लाइन प्रिंट करने के काम में आता है, जैसे कि ड्रम। कैरेक्टर प्रिंटर प्रिंट अ कैरेक्टर एट अ टाइम। द प्रिंट हेड कंटेन अ मैट्रिक्स ऑफ डॉट। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज एन एग्जांपल ऑफ कैरेक्टर प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर का काम होता है वो कैरेक्टर का प्रिंट करता है और वो मैट्रिक्स डॉट का भी प्रिंट करता है। डॉट मैट्रिक्स जो होते हैं प्रिंटर, वो इसके एग्जाम्पल है। ड्रम प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये सभी प्रिंटर हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आर डिफरेंट फॉर्म इम्पैक्ट प्रिंटर। द टू मोस्ट कॉमनली यूज्ड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो तो बहुत ही अलग होता है इम्पैक्ट प्रिंटर से, और ये टू टाइप्स के होते हैं, इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर जनरेट अ कैरेक्टर बाई शॉर्टिंग स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक इन ऑन टू द पेपर। डिफरेंट टेक्निक आर यूज टू स्प्रे द ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक इन टू द पेपर। इन द थर्मल हीटिंग प्रोसेस और बबल्स इन जेट टेक्नोलॉजी इंक इज हीटेड फ्रॉम वन इंच टू मोर देन 30 degrees Celsius एंड वेपोरेटेड इंक फ्रॉम अ बबल्स। वैन द बबल एग्जाम्पल अ ड्रॉप ऑफ लिंक इज फॉर्म्ड आउट ऑन टू द प्रिंट हेड। लेज़र प्रिंटर अ पेज एट अ टाइम। दे यूज अ लेज़र डियोड टू राइट इंफॉर्मेशन ऑन टू अ ड्रम कोटेड विथ फोटो सेंसिटिव मटेरियल। वैन दिस मटेरियल कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ लेज़र बीम्स इलेक्ट्रोस्टिक चार्ज इज प्रोड्यूस स्पेशल इंक इन स्प्रिंकल ऑन द ड्रम्स विच स्टिक टू द चार्ज एरिया ऑफ द ड्रम फॉर्मिंग द इमेज। अज द ड्रम रोटेट्स द पेपर इज रैप अराउंड इट एंड द इमेज इज प्रिंटेड आउट ऑन टू द पेपर। रोलर एंड हीटर्स आर यूज टू फ्यूज द इंक इन द पेपर। देखिए क्या होता है कि प्रिंटर टू टाइप्स के होते हैं, इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर जो होता है वो उसमें क्या होता है, उसमें इंक भरे होते हैं और वो इंक से ही वो पेपर में कुछ भी प्रिंट करने के काम में आता है। CD-ROM
सीडी रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सीडी रोम का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सीडी रोम इज़ ए स्मॉल स्पाइरल डिस्क फ्रॉम विच डेटा इज रिट्राइव यूजिंग अ लेज़र बीम। द डेटा स्टोर इन इट कैन नॉट बी चेंज्ड बट कैन ओनली बी रीड। सीडी रोम इज मेड अप ऑफ पिट्स एंड लैंड। पिट्स एंड लैंड आर स्मॉल कट्स बिटवीन द डिस्क। अ पिट्स स्कैटर द लाइट ऑफ एंड लाइट एंड द लैंड रिफ्लेक्ट द लाइट। द लाइट दैट स्ट्राइक्स द लैंड इज रिफ्लेक्टेड डायरेक्टली बैक एट द डिटेक्टर। द लाइट पल्सेस रिसीव एट द डिटेक्टर आर converted into the binary code that is 0 and 1. Thus, all the information is read from the CD. CD क्या होता है? CD में भी हम लोग कुछ भी फ़ोटो हो, वीडियोस हो, ऑडियो हो, हम लोग रिकॉर्ड करके रख सकते हैं लंबे समय के लिए। और इसमें क्या होता है कि CD के जो होते हैं पिट्स एंड लैंड, ये बहुत ही स्मॉल होते हैं। ये क्या होते हैं, ये इसको डिक्स कहा जाता है। देखिए ये जो होते हैं इसे पिट्स बोलते हैं, इसे ऊपर वाले को लैंड बोलते हैं। ये क्या है, ये सीडी रोम है। इसे जो बीच में जो रहते हैं वो से हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टिव सरफेस। रिफ्लेक्टिव सरफेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसको जब हम लोग जब ऊपर नीचे करेंगे तो उसका रंग चेंज होने लगता है। और इसके ऊपर वाले सरफेस को बोलते हैं हम लोग डिक्स बोलते हैं। ओके, सीडी रोम। अब आप लोग जितने इस चैप्टर में जितने भी जो दिए हुए हैं शॉर्ट फुल फॉर्म वाले, उसे सब आप लोग लर्न करिएगा। जैसे कि है पीसी, पीसी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। पोस्ट का फुल फॉर्म होता है पावर सेल्फ ऑन टेस्ट। रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम को होता है रीड ओनली मेमोरी। ये जितने भी जो दिए हैं, सीआरटी का फुल फॉर्म होता है कैथोड रॉय ट्यूब। एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। आरजीबी का फुल फॉर्म होता है रेड ग्रीन ब्लू। जितने भी दिए हुए हैं इस चैप्टर में फुल फॉर्म, सब लर्न करिएगा आप लोग और एक बार इसे अच्छे से रीड करिएगा। दिस चैप्टर इज़ ओवर। थैंक यू चिल्ड्रन। अच्छे से घर में रीड करिएगा इसे।